हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी फॉर द ड्यू टू द सम टेक्निकल इश्यूज, क्लास थोड़ी लेट हो गई थी. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी. ऑलराइट, जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का, ये आता है अंडर द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी. तो आज का ये टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है. और एग्जामिनेशन में अगर भूले भटके ये सवाल आ जाए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्या होता है, सीएसआईआर के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, हमें पता नहीं होता कि भाई हमें क्या मिलने वाला है, अचानक से कोई भी सवाल आ जाता है. तो उसमें से ही ये एक टॉपिक मैंने लिया है जो मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी. ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. थोड़ा टेक्निकल इशूज़ के कारण क्लास थोड़ी डिले हो गई थी. तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास. तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीएसआईआर मेरे साथ, इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ द सीएसआईआर यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओके, इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है अन अकेडमी. ठीक है, अन अकेडमी, तो आप यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. ऑलराइट, तो वॉट यू विल गेट इन सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस. ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, कई सारे ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं और करने वाले हैं. तो वो सारे के सारे स्टूडेंट डेली लाइव क्लासेस देख सकेंगे, जिसमें वो अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, रिगार्डिंग द सीएसआईआर जो भी उनको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो पूछ सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, दूसरी चीज़ उन्हें यहाँ पे मिलेगी लाइव टेस्ट. ठीक है, यहाँ पे लाइव टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं. आप जान सकते हैं कि भाई आपको कितना आ गया समझ में, या फिर कहाँ आपके अंदर कमी है, वो आप मॉक दे के जान सकते हैं. ठीक है, थर्ड थिंग आपको यहाँ पे मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है ऑल द कोर्सेज विच इज़ मेड बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑन द अन अकेडमी आर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द सीएसआईआर एंड आर वेरी कंपेटिबल टू द सीएसआईआर सिलेबस. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं पास्ट में, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सेशन की बात करूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये पूरी क्लास आप देख सकते हैं. रिकॉर्डेड क्लास होती है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी मिलता है जिसको आप बाद में पढ़ सकते हैं अपने ईस्ट के अकॉर्डिंग. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई प्रोफाइल, दैट इज़ द मोहम्मद सलमान अन अकेडमी प्लस एजुकेटर. और यहाँ पर आपको मेरी 30+ फ्री क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, यहाँ पे मेरी 30+ फ्री क्लासेस हैं जिसको आप देख सकते हैं और बता सकते हैं मुझे कि आपको किस तरह की, आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट. और अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे. ठीक है, आप मुझे YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, ऑन अनलर्न CSIR UGC नेट चैनल है हमारा. यहाँ पे मेरी कई क्लास हैं ऑन द टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, सारी क्लास आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं. यू कैन नो अबाउट मी फ्रॉम हियर. इसके अलावा लास्ट थिंग मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का. इन सब की अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अगेंस्ट मेंशन है. ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करूँ जून की, ठीक है, जून का एग्ज़ाम जो कि अगर जुलाई में होगा या अगस्त में कभी भी होगा, वो उसके लिए आप पे हार्डली 1 से 3 महीने हैं, मान के चलो अगर 1 महीना या 2 महीना. तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. जो भी स्टूडेंट हैं लेट प्रिपेयर कर रहे हैं या और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है 1 मंथ और 3 मंथ. और ऑलरेडी आपको जितने भी कोर्सेज बन चुके हैं जनवरी से लेके अब तक, सारे मिलेंगे वहाँ पे. ठीक है, ऑल कोर्सेज विल बी अवेलेबल टू यू. ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा का करना चाहते हैं, आप पे ज़्यादा टाइम है, तो आप 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का भी कर सकते हैं. और अगर आप कोड यूज़ करेंगे मेरा जो है एम सलमान और एम सलमान लाइव, आपको यहाँ पे मिलेगा 10% का डिस्काउंट. ठीक है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज़ द एम सलमान और एम सलमान लाइव. अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके. ठीक है, लास्ट थिंग है फ्रेंड्स, हमारी चैम्पियनशिप शुरू हो गई है CSIR UGC नेट की. डिफरेंट मॉक टेस्ट होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और उनके बाद उनका एनालिसिस भी किया जाएगा. ठीक है, समझाया जाएगा आपको पूरा का पूरा टेस्ट जो आप देंगे, और जो आप में से टॉपर होंगे इस टेस्ट में, उनको प्राइज़ भी मिलेगा अन अकेडमी की तरफ से. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी अवेल कर सकते हैं. तो मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास.
ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट आ गए हैं यहाँ पे ताकि हम शुरू कर पाएँ। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है हमारा है वो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, इसका एक और नाम है, ठीक है, इसे कहा जाता है आपका सुसाइड सीड्स या टर्मिनेटर जीन्स। ये टर्म आपने सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने टर्म सुनी होगी, हो सकता है कई लोगों ने नहीं भी सुनी हो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको ये टॉपिक समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो किसान होते हैं, ठीक है, किसान होते हैं, खेतों में काम करते हैं, खेतों में वो फसलें उगाते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, वो क्रॉप फिर आके मार्केट में बिकती है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब कई सारी क्रॉप की ऐसी वैरायटी होती हैं जो डिमांड में होती हैं, लेकिन वो क्रॉप वैरायटी कई बार किसी पेस्ट से, किसी कीट पतंगे से, इंसेक्ट से ख़राब हो जाती है या उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है। तो जेनेटिकली बायो टेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग जीन्स के अंदर थोड़े चेंजेस करते हैं और हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाते हैं, ठीक है, हम हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाते हैं सीड्स की, ठीक है, सीड्स की हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाई जाती है जो इम्प्रूव होती हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, जिनकी ईल्ड बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ईल्ड बहुत अच्छी होती है, पैदावार बहुत अच्छी होती है और वो डिजीज़ रेसिस्टेंट भी होती हैं, उनमें सारे फ़ायदे होते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो सीड्स बनाते हैं, ठीक है, सीड्स बनाते हैं, हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ना, इसको आप वाइल्ड कंडीशन में नहीं भेज सकते, वाइल्ड कंडीशन में आप हाइब्रिड सीड्स को नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्या रीज़न है इसका, इसका रीज़न ये है कि जो हाइब्रिड सीड बने हैं वो अननेचुरल हैं, वो नेचुरल नहीं हैं, तो उनके अंदर जो जीन्स हैं वो भी नेचुरल नहीं है, वो भी मॉडिफाइड है। तो अगर आप ऐसे प्लांट्स को जो हाइब्रिड सीड्स देते हैं उनको अगर आप वाइल्ड टाइप कंडीशन में भेज दोगे तो वो मिक्स हो जाएंगे वाइल्ड टाइप कंडीशन से और फर्दर म्यूटेशन कर देंगे वो वाइल्ड लाइफ में, और वाइल्ड लाइफ में म्यूटेशन आ जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगा सब कुछ और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ह्यूमन को ही इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए साइंटिस्ट जो हैं ऐसे सीड बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है सुसाइड सीड्स, ठीक है, सुसाइड सीड्स कहा जाता है। अब इनको सुसाइड सीड्स क्यों कहते हैं, सुसाइड सीड्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सीड्स होते हैं एक बार जब ये ज़मीन में जाते हैं सॉइल के कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो ये प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे ही सॉइल के कॉन्टैक्ट में आए प्रोड्यूस नहीं होंगे प्लांट में, अपने आप को ख़त्म कर देंगे, अपने आप को मार देंगे, इसे कहते हैं सुसाइड सीड्स। ऐसा ये क्यों करते हैं, ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि इनका जो जीनोटाइप है, इनके अंदर जो हाइब्रिड वैरायटीज़ के जीन्स हैं वो किसी दूसरी जनरेशन में ना जाएं, वो वाइल्ड टाइप कंडीशन में ना जाएं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है सुसाइड सीड्स। और इन सुसाइड सीड्स को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। टर्मिनेटर का क्या मतलब है, टर्मिनेटर का मतलब है टर्मिनेट कर देना, स्टॉप कर देना। क्या स्टॉप कर देना, सीड की ग्रोथ को स्टॉप कर देना ताकि सीड वायबल नहीं हो पाए, और अगर सीड वायबल नहीं होगा तो वो प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होगा तो फर्दर सीड्स नहीं बनेंगे तो वो वाइल्ड कंडीशन में नहीं जाएंगे तो इकोसिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इकोसिस्टम नॉर्मली वर्क करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ होती है। देखो अब मैं आपको दो चीज़ें और बताता हूँ। सपोज़ करो कोई किसान है वो क्या चाहता है, किसान ये चाहता है कि भाई जब मैं किसी सीड कॉरपोरेशन के पास जाऊँ उससे मैं सीड खरीदूँ, तो जब मैं सीड खरीदूँ तो मुझे बार बार खरीदने ना पड़े, क्योंकि किसान जो होते हैं आमतौर पर वो थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं, उन पे इतना पैसा नहीं होता कि वो बार बार सीड्स को खरीदे कंपनी से। तो वो किसान ये चाहता है कि मैं एक बार जाऊं कंपनी के पास, सीड्स को खरीदूं, वापस आऊं, सीड्स को उगा के प्लांट बने, फसलें बने, क्रॉप बने, और उन क्रॉप से जो बीज आएं, जो क्रॉप हैं हाइब्रिड सीड्स की, उनसे जो बीज आएं उन्हें मैं दोबारा यूज़ करूँ और मुझे दोबारा हाइब्रिड वैरायटी मिले, ताकि उसे बार बार जाके खरीदना ना पड़े,
समझ रहे आप मेरी बात? ये चाहता है किसान, लेकिन अगर वो ये करेगा ना तो इकोसिस्टम को डैमेज हो जाएगा, इसीलिए बनाए गए सुसाइड सीड्स। लेकिन इन सुसाइड सीड्स का इस्तेमाल जो है वो ग्रीड के लिए होने लग गया। किसके लिए? ग्रीड के लिए, लालच के लिए होने लग गया। कंपनीज जो थी, कई सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज का, कई सारी सीड कॉरपोरेशन है, कंपनीज ने क्या करा, सुसाइड सीड्स बनाए। और ये सुसाइड सीड्स उन्होंने इसलिए बनाए ताकि किसान इनको बार बार खरीदे। क्यों खरीदे बार बार? जब एक बार किसान सीड्स को खरीदेगा, जाएगा वो अपनी फील्ड में, इन सीड्स को डालेगा वो सॉइल में, इनसे बनेगा प्लांट। प्लांट बनने के बाद दोबारा जो सीड्स आएंगे इनसे वो दूसरा प्लांट नहीं बना पाएगा। तो जब वो दूसरा प्लांट नहीं बना पाएगा तो जाहिर सी बात है उसे दोबारा जाना पड़ेगा कंपनी के पास और ये सीड्स खरीदने पड़ेंगे जो कि बहुत महंगे होते हैं। तो इससे किसको प्रॉफिट मिलेगा? इससे मिलेगा कंपनी को प्रॉफिट, कॉरपोरेशन को प्रॉफिट, जो आपका सीड की प्रोडक्शन कर रही है। समझ रहे आप मेरी बात? और किसको प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी किसान को, ठीक है, फार्मर को प्रॉब्लम होगी। तो आइए देखते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी में क्या होता है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैंने जो बताया आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखना या मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं चलता हूं टॉपिक पर अपने। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ठीक है, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम है जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। इसका तीसरा नाम है टर्मिनेटर जीन्स या सुसाइड जीन्स, ठीक है। जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनके जो सीड्स हैं वो स्टेराइल हो जाएं। स्टेराइल मतलब वो दोबारा प्लांट ना बनाए, ठीक है। लेकिन इसको बनाने के पीछे जो इंटेंशन थी, मैंने आपको भी बताया जो इंटेंशन थी इसे बनाने के पीछे, वो इंटेंशन ये थी कि भैया ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं इनका जीनोटाइप वाइल्ड कंडीशन में ना जाए। अगर वो वाइल्ड कंडीशन में जाएगा तो इकोसिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने लग गया और फार्मर के ऊपर सारा बर्डन आ गया और फार्मर को फोर्स किया गया बार बार ये सीड्स खरीदने के लिए उसकी क्रॉप के लिए, क्योंकि फार्मर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फार्मर को तो अच्छी क्रॉप उगानी है, अब उसके लिए वो कुछ भी करेगा। अब वो कंपनी पे डिपेंड हो गया है, क्योंकि कंपनी ऐसा सीड बनाती है जो हाइब्रिड वैरायटी के हैं, जो अच्छी वैरायटी की क्रॉप देते हैं, लेकिन वो सीड जो हैं आपके सुसाइडल सीड्स हैं, ये किसान को नहीं पता, ठीक है। तो क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होने लगता है, कंपनी के पास पैसा आने लगता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इस कहानी का पूरा वो बताया, समरी, कि ये आखिर है क्या, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं द मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्मिनेटर जीन्स इन द सीड। ये जो सीड बनाए हैं कंपनी ने, इसके अंदर कंपनी ने या साइंटिस्ट ने, कंपनी नहीं साइंटिस्ट बोलूंगा मैं, साइंटिस्ट ने ऐसा क्या चेंज करा है जिससे ये सीड आपके सुसाइडल सीड बन गए, अब हम वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली टर्मिनेटर जो जीन्स होते हैं उनमें तीन चीजें होती हैं। देयर आर थ्री थिंग इन्वॉल्व इन द टर्मिनेटर जीन। एक होता है जिसे कहा जाता है टॉक्सिन जीन, दूसरे को कहा जाता है क्री जीन, तीसरे को कहा जाता है रिप्रेसर जीन। तीनों का अलग अलग रोल है। ये जो टॉक्सिन जीन है ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है, एक ऐसा टॉक्सिन बनाता है जो सीड को किल कर देता है, सीड को मार देता है, ताकि सीड आपका दोबारा ग्रो ना हो पाए, वाइल्ड कंडीशन में ना आ पाए, ठीक है। अगला जो जीन है वो है क्री जीन। आपने टर्म सुनी होगी क्री लॉक्सपी सिस्टम। क्री लॉक्सपी सिस्टम एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का सिस्टम होता है, जिसमें आप जीन्स को चाहे तो डिलीट कर दो, जीन्स को चाहे तो इन्वर्ट कर दो, जीन्स को चाहे तो ट्रांसलोकेट कर दो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्री जीन होता है इसमें, क्री लॉक्सपी। और एक और जीन होता है जिसे कहते हैं रिप्रेसर जीन। रिप्रेसर जीन ऐसे जीन होते हैं जो किसी दूसरे जीन का रिप्रेशन करते हैं, किसी दूसरे जीन को स्टॉप करते हैं एक्सप्रेस करने से। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा ये काम कैसे होता है। आई होप यू आर गेटिंग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं अबाउट द टॉक्सिन जीन की। ये जो टॉक्सिन जीन है ये प्रोड्यूस होता है सीड के अंदर और ये एक लीथल टॉक्सिन बनाता है। लीथल टॉक्सिन,
लीथल टॉक्सिन का मतलब है डेंजरस, जानलेवा, जो सीड को किल कर दे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये जो टॉक्सिन है ये सिर्फ किल करता है डेवलपिंग सीड्स को। देखो फ्रेंड, सीड जो है ना अलग अलग टाइप्स में होते हैं, डेवलपिंग सीड, मैच्योर सीड, ठीक है, एंड ऑलरेडी मैच्योर सीड, कई तरह के होते हैं। एक तो डेवलप हो रहा है, डेवलप हो चुका है, और डेवलप होने के बाद मैच्योर हो गया है, अलग अलग कंडीशन होती है। तो ये जो टॉक्सिन है ये किल करता है डेवलपिंग सीड को, यानी ये सिर्फ उस सीड को मारेगा जो डेवलप हो रहा है, जो पहले से डेवलप हो चुका है उसको नहीं मारेगा ये, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा टॉक्सिन बनाया जो डेवलपिंग सीड को किल करे, जर्मिनेटिंग सीड को, लेकिन ऑलरेडी मैच्योर सीड को और प्लांट को किल ना करे। प्लांट को भी किल नहीं कर सकता, ये सिर्फ किल करेगा डेवलपिंग सीड को, क्लियर। इससे क्या होगा, अगर कोई सीड डेवलप हो रहा है तो ये टॉक्सिन उसे डेवलप नहीं होने देगा और उस सीड को बना देगा अनवायबल, स्टेराइल, ठीक है। ये तो रही एक बात, अब आते हैं दूसरी बात पे। ये जो टॉक्सिन जीन है ना, ये जो टॉक्सिन जब जीन उन्होंने जब सीड में डाला, तो सीड में डालने के बाद उसे एक्टिवेट नहीं किया, सीड में डालने के बाद इस जीन को एक्टिवेट नहीं किया, इसको एक्टिवेट नहीं किया बाय द हेल्प ऑफ अ सीक्वेंस जिसे कहते हैं ब्लॉकर सीक्वेंस या स्पेसर सीक्वेंस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक टर्म आती है जिसे कहते हैं ब्लॉकर या स्पेसर। ब्लॉकर एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस होता है, अगर मैं इसे किसी प्रोटीन के जीन के सामने रख दूं तो ये उसका एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा, इसे कहते हैं ब्लॉकर सीक्वेंस। तो ये जो ब्लॉकर सीक्वेंस था ये इन्होंने रख दिया टॉक्सिन जीन के सामने, जिससे टॉक्सिन जीन का प्रोडक्शन होना बंद हो गया, ठीक है, ये काम किया। दूसरा काम ये किया, ये जो ब्लॉकर सीक्वेंस था इसके आजू बाजू में, यानी इसके लेफ्ट में और राइट में लॉक्स पी साइट डाल दी। लॉक्स पी साइट आपको पता है, क्री लॉक्स पी सिस्टम में आती है ये, ठीक है। लॉक्स पी साइट डाल दी बिटवीन द प्रमोटर एंड द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द टॉक्सिन। अब ये जो टॉक्सिन है, एक्चुअली में इस टॉक्सिन का नाम है सैपोरिन फोर नाम का टॉक्सिन है, और ये टॉक्सिन है अ टाइप ऑफ RIP। इस टॉक्सिन को बोलते हैं RIP। RIP का मतलब है राइबोसोमल इनहिबिटर प्रोटीन, ये राइबोसोम को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एक कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर टॉक्सिन जीन, ब्लॉकर सीक्वेंस और प्रमोटर है। तो आप देख रहे हैं ये बीच में है ब्लॉकर, ब्लॉकर के साइड में है लॉक्स पी, और लॉक्स पी की डायरेक्शन देखो आप, लॉक्स पी की डायरेक्शन है एक ही तरफ, यूनि डायरेक्शन है। तो जब यूनि डायरेक्शन में लॉक्स पी लगे होते हैं ना, तो वो बीच वाले जीन को डिलीट कर देते हैं। हमने पढ़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जब लॉक्स पी साइट के बीच में कोई जीन होता है और लॉक्स पी साइट की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ये डिलीट कर देते हैं इस जीन को। तो ये ब्लॉकर जो है इसे डिलीट कर देंगे, और ये जो प्रमोटर है ये है लेट प्रमोटर। लेट प्रमोटर आपके स्पेशल टाइप ऑफ प्रमोटर होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इन द लेट डेवलपिंग स्टेज। और लेट डेवलपिंग स्टेज क्या है, लेट डेवलपिंग स्टेज है सीड की। जब सीड आपका डेवलप करेगा तो डेवलपिंग करते करते वो लेट स्टेज में आ जाएगा, उस लेट स्टेज में आपका प्रमोटर एक्टिवेट हो जाएगा और टॉक्सिन की प्रोडक्शन करेगा, और ये टॉक्सिन आपका मार देगा सीड को, जिससे सीड आपका ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेट प्रमोटर हैं, ठीक है, टॉक्सिन के लिए, और ये तभी बनते हैं जब लेट डेवलपमेंट होती है सीड की। दूसरा है हमारा क्री रिकॉम्बिनेज जीन, मैंने आपको बताया था क्री लॉक्स पी सिस्टम होता है, तो क्री लॉक्स पी सिस्टम के अंदर एक जीन होता है जिसे कहते हैं क्री। ये क्री जो जीन है एक्चुअली में एक रिकॉम्बिनेज बनाता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज, ये रिकॉम्बिनेशन करवाता है, ठीक है। तो ये बनाता है क्री रिकॉम्बिनेज, और क्री रिकॉम्बिनेज जब प्रोड्यूस होता है, क्री रिकॉम्बिनेज जब प्रोड्यूस होता है तो वो ब्लॉकर सीक्वेंस को रिमूव कर देता है, लॉक्स पी साइट के बीच में जो डीएनए होगा उसको रिमूव कर देगा, और लॉक्स पी साइट के बीच में जो डीएनए है हम सबको पता है वो है क्या, वो है ब्लॉकर सीक्वेंस, ठीक है। तो जब आपका क्री रिकॉम्बिनेज आएगा तो ब्लॉकर सीक्वेंस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब आते हैं एक और प्रोटीन पे जिसका नाम है रिप्रेसर, मैंने आपको बताया था रिप्रेसर जीन भी होता है इसमें। रिप्रेसर जीन जो होता है वो एक्सप्रेस करता है और बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन।
ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है बाइंड करता है प्रमोटर पे, और ये प्रमोटर है क्री का, क्री जीन के प्रमोटर पे बाइंड करता है रिप्रेसर। क्यों करता है? ताकि क्री जीन का एक्सप्रेशन ना हो पाए, ठीक है, क्री जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है ये। क्लियर? ये कंडीशन मैंने आपको बताई। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो रिप्रेसर जीन है वो प्रोड्यूस करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है प्रिवेंट करता है एक्सप्रेशन ऑफ द क्री प्रोटीन बाय बाइंडिंग टू द प्रमोटर ऑफ द क्री। जैसे लैकोपेरोन में होता है आपका, लैकोपेरोन में लैक आई रिप्रेसर जो है बाइंड करता है प्रमोटर पे, और वो जेड वाई ए की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने से रोकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ये रिप्रेसर जो है क्री की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रोकता है, सप्रेस करता है, ठीक है, रिप्रेस करता है। अच्छा, लैकोपेरोन के अंदर एक इंड्यूसर होता था जिसका नाम था लैक्टोज। लैक्टोज था एपेरेंट इंड्यूसर, एलोलैक्टोज था एक्चुअल इंड्यूसर। तो यहां जो रिप्रेसर है इसका भी एक इंड्यूसर है, इसका इंड्यूसर है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो इसका रिप्रेसर का इंड्यूसर है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन सीड को दे दूंगा, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन सीड को दे दूंगा तो रिप्रेसर आपका हट जाएगा प्रमोटर से। रिप्रेसर जैसे ही हट जाएगा प्रमोटर से, क्री का प्रोडक्शन होने लगेगा। क्री का प्रोडक्शन होने लगेगा तो वो ब्लॉकर सीक्वेंस को रिमूव कर देगा। वो ब्लॉकर सीक्वेंस को रिमूव कर देगा तो लेट प्रमोटर एक्सप्रेस हो जाएगा। लेट प्रमोटर एक्सप्रेस हो जाएगा तो आपका टॉक्सिन जीन की प्रोडक्शन होगी। टॉक्सिन जीन की प्रोडक्शन अगर होगी तो सीड आपका किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो इस डायग्राम से आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे आप ऊपर देखो, पहले यहां पे आप देख रहे हो प्रमोटर, रिप्रेसर का जीन, प्रमोटर और क्री, यानी दो प्रमोटर हैं और दो जीन हैं। ये जो रिप्रेसर है ये प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, और ये जाके बाइंड कर जाता है अपने प्रमोटर पे जो कि है आपका क्री का, और एक्सप्रेशन आपका रुक जाता है क्री रिकॉम्बिनेज का। लेकिन अगर मैं इसमें डाल दूं टेट्रासाइक्लिन जो कि एक इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर जाके बाइंड करता है किस पे, वन सेकेंड, ये इंड्यूसर जाके बाइंड करेगा रिप्रेसर पे, रिप्रेसर को रिमूव कर देगा, और एज अ रिजल्ट आपका क्री का एक्सप्रेशन होने लगेगा, द क्री प्रोटीन एक्सप्रेशन अकर्स। क्लियर? तो ये काम होता कैसे है? होता क्या है दोस्तों, जो कंपनी होती है, कंपनी के पास अगर कोई किसान आता है, सपोज करो कंपनी है, सीड कॉरपोरेशन है, वो किसान उसके पास आया, किसान ने कहा कि भाई मुझे हाइब्रिड सीड दे दो, तो कंपनी क्या करेगी, हाइब्रिड सीड निकालेगी अपने गोडाउन से और उसको रख देगी टेट्रासाइक्लिन में, थोड़ी देर के लिए टेट्रासाइक्लिन में डिप कर देगी। क्यों कर देगी डिप? इसलिए कर देगी क्योंकि वो जो सीड है उसके अंदर टॉक्सिन का प्रोडक्शन होने लगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टेट्रासाइक्लिन जो है इंड्यूसर है, रिप्रेसर को हटाता है, वो रिप्रेसर के हटते के साथ ही आपका टॉक्सिन का प्रोडक्शन होने लगेगा। तो कंपनी क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में सीड्स को रखेगी, उसके बाद देगी किसान को। ठीक है, तो क्यों देगी वो? ताकि सीड के अंदर टॉक्सिन का प्रोडक्शन होने लगे। क्लियर? तो देखो इस वाले डायग्राम से आपको, आप लोग काफी कुछ समझोगे। इस वाले डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज, अगर ना समझ में आया तो मुझे बताना। देखो ये जो पूरा का पूरा ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हो आउटलाइन, यह है कंटेनर, ये कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में या पिंक कलर के डॉट देख रहे हो सर्कल, यह है टेट्रासाइक्लिन, और यह पूरा का पूरा जो एग शेप है यह है सीड। तो कंपनी ने टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में सीड को रख दिया। अब ये जो टेट्रासाइक्लिन है पिंक वाले सर्कल, ये गए आपके सीड के अंदर, सीड के अंदर जाके ये बाइंड करे किस पे, रिप्रेसर पे, रिप्रेसर पे बाइंड करे, रिप्रेसर पे बाइंड करके टेट्रासाइक्लिन ने, टेट्रासाइक्लिन को या टेट्रासाइक्लिन ने रिप्रेसर को हटा दिया, हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ आपका, क्री की प्रोडक्शन होने लगी, क्री बनने लगा। क्री जैसी बना, इसने लॉक्स पी साइड से बाइंड करके ब्लॉकर सीक्वेंस को रिमूव कर दिया। सही है ना, कोई गलती तो नहीं यहाँ पे, ब्लॉकर सीक्वेंस को रिमूव कर दिया। अब जैसे ब्लॉकर सीक्वेंस रिमूव हुआ, लेट प्रमोटर ने एक्सप्रेशन दिखा दिया अपना, और लेट प्रमोटर ने जैसे एक्सप्रेशन दिखाया टॉक्सिन की प्रोडक्शन होने लगी। टॉक्सिन की प्रोडक्शन होने लगी तो ये आपका तैयार हो गया मारने के लिए डेवलपिंग सीड को। ये डेवलपिंग सीड को मारेगा,
ये इस सीड को क्यों नहीं मार रहा? ये इस सीड को इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि ये मैच्योर सीड है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड सीड है। और मैंने आपको बताया टॉक्सिन जो है आपका सैपोरिन 4, ये किल करता है डेवलपिंग सीड को, ये मैच्योर सीड को नहीं किल करता, ये प्लांट को नहीं किल करता। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग योर फ्रेंड्स? तो आप ये समझना कि ये लेट प्रमोटर है और ये बी ब्लॉकर है और ये आर आपका रिप्रेसर है, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब किसान इस सीड को लेके जाएगा अपनी फील्ड में, ये वाला जो सीड है आपका ये बना देगा पूरा प्लांट, लेकिन ये जो लेट प्रमोटर है, ये लेट प्रमोटर जो है ये एक्सप्रेस करने लगेगा कहाँ, ये एक्सप्रेस करने लगेगा डेवलपिंग सीड के अंदर, ये और कहीं एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये सीड स्पेसिफिक प्रमोटर है, इट इज़ द सीड स्पेसिफिक प्रमोटर, इट इज़ द टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर, ये सिर्फ और सिर्फ सीड में ही आपका एक्सप्रेस करेगा। तो जैसे ही किसान नया प्लांट उगाएगा और उस नए प्लांट में पॉलिनेशन होगी, किसी दूसरे प्लांट का स्टिग्मा आएगा, किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आएगा, जैसे ही सीड बनेगा, सीड हो जाएगा टर्मिनेट, सीड हो जाएगा किल। और जब वो किसान उस सीड को दोबारा फील्ड में डालेगा, कोई प्लांट नहीं उगेगा और एज अ रिजल्ट किसान को दोबारा कंपनी में जाके खरीदना पड़ेगा नया हाइब्रिड सीड। इससे कंपनी को होगा प्रॉफिट और किसान को होगा लॉस। सो दिस इज द वेरी गुड टेक्नोलॉजी टर्मिनेटर, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है, बट बाय द वे इट इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। अगर आप इसका इस्तेमाल करें अच्छे काम के लिए तो इट इज़ अ वेरी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा सेशन आज का, ठीक है? मैं ऐसी आशा रखता हूँ, ठीक है, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी और अन अकेडमी, ठीक है, आपको मेरी क्लास पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है आपको, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 मंथ का 3 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का ले सकते हैं, 12 मंथ का ले सकते हैं, ठीक है, 24 मंथ का भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको जो भी ठीक लगता है। और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी ऑन एन अकेडमी, तो यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो है एम सलमान, ठीक है, आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो वी विल सी यू टुमारो, कल हमारी क्लास है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी पर, ठीक है, तो हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फ्रेंड्स।